नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देसी जुगाड़ सीरीज की अगले वीडियो भी फनी इंजीनियरिंग फेल्स और फनी आंसर्स इन एग्जाम सीरीज की वीडियोस की तरह ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे ऐसे देसी जुगाड़ों से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त गवाए बिना ही वीडियो को शुरू करें। अगर आपके पास पतले होने के लिए ट्रेडमिल खरीदने के पैसे नहीं है तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसे देसी जुगाड़ भी एग्जिस्ट करता है जिससे आप ट्रेडमिल के बिना ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेल, उस जुगाड़ के बारे में आपको इन भाई साहब से सीखना होगा, क्योंकि इन्होंने थोड़े से डिटर्जेंट पाउडर को जमीन पर डाला और उसमें पानी मिक्स कर दिया, जिसके बाद ये दरवाजा पकड़कर उसके ऊपर स्लिप होते हुए भाग पा रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडमिल की तरह ही। वाह भाई, मान गए आजकल के जुगाड़ू लोगों के दिमाग को, मतलब ये तो टेक्नोलॉजी और साइंस को ठेंगा दिखा देते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय आपने घंटी तो जरूर बजाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी का इस्तेमाल डोरबेल के रूप में भी किया जा सकता है। बस उसके लिए आपको अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। देखिए किस प्रकार घंटी से डोरबेल वाला ये जुगाड़ बनाया गया है, जो दरवाजे के बाहर से खुलते ही घर के ओनर को सूचना दे देगा कि कोई घर में आया है। वाह, इसे कहते हैं तकनीकी चीजों का देसी इलाज। ओ भाई साहब, इन लोगों ने ट्रेन में सामान रखने के लिए क्या जबरदस्त जुगाड़ लगाया है जो देखते ही बनता है। दरअसल इनके स्टेशन पर ट्रेन काफी कम समय के लिए रुकती थी, और क्योंकि इन्हें अपना बहुत सारा सामान ट्रेन में रखना था, इसलिए इन लोगों ने अपना जुगाड़ो दिमाग लगाया और हाथ ठेले वाला ये जबरदस्त आइडिया ईजाद किया। देखिए कैसे ट्रेन के चल जाने के बाद भी हाथ ठेले की मदद से उस पर बरोबर सामान रखा जा रहा है। अगर आपकी कार पुरानी है और उसमें एसी नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर समस्या का समाधान देसी जुगाड़ से निकाला जा सकता है। अब देखो कैसे इस व्यक्ति ने अपनी कार के अंदर मौजूद मिरर से बैटरी से चलने वाले एक छोटे से फैन को टांग लिया जो इसे बरोबर हवा दे रहा है। गजब जुगाड़ है भाई। वाह क्या जुगाड़ है भाई, मतलब ऑटो को ही इतना सुविधाजनक बना डाला कि उसमें इंसान को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और वो हाथ धोने से लेकर आराम से बैठ तक पाएगा। भाई साहब, ऐसे जुगाड़ तो भारत में ही देखने को मिल सकते हैं, और ये जुगाड़ उस दौरान लगाया गया था जब पूरे भारत में कोरोना कोहराम मचा रहा था। दोस्तों, इस ऑटो रिक्शा में वाईफाई की भी सुविधा है और ये एम्बुलेंस का काम भी करती थी, जो वाकई में इससे एक शानदार देसी जुगाड़ बनाता है। दोस्तों, अब मैं आपको जो जुगाड़ दिखाने जा रहा हूँ उससे बेहतरीन जुगाड़ शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि इस जुगाड़ में इनोवेशन के साथ साथ माँ बेटे का प्यार भी छुपा है। आप ही देखो, जब इस बूढ़ी औरत से पानी की इतनी भारी बोतल उठाता नहीं बनती, तब इनकी इस दिक्कत को समझते हुए इनका बेटा लकड़ी को काट कर ऐसा देसी जुगाड़ तैयार करता है कि उसकी मदद से इस लड़के की माँ को भारी बोतल उठाए बिना ही पानी मिल जाएगा। यार इस जुगाड़ के लिए लाइक तो बनता है। इस लड़के को सिंगर बनने का इतना शौक था कि जब माइक खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, तब इसने अपना दिमाग खर्च किया और कुकर के ढक्कन को ही माइक की तरह यूज करने लगा और उसमें अपना बेसुरा गाना गाने लगा। हालांकि ये गाना रिकॉर्ड तो नहीं होगा, पर इससे हौसले की दाद देनी होगी, क्योंकि ऐसा बेतुका काम हौसले वाले लोग ही कर पाएंगे। वैसे सच बताना कि आप इसका गाना सुनना चाहेंगे? चौक सपाट मेरी तेरी मेरी मेरी कहानी। रोटी बेलना हो तो इसके लिए बेलन की जरूरत पड़ती है, लेकिन भाई साहब भारतीय लोग इतने बड़े जुगाड़ू होते हैं कि उनकी जुगाड़ आपके होश उड़ा देंगी। देखिए, जब रोटी बनाने वाले इस व्यक्ति के पास बेलन नहीं था, तब इसने अपने डिओड्रेंट की बोतल को बेलन की तरह इस्तेमाल किया और उसे गोल गोल रोटी बेल डाली। गजब जुगाड़ है भाई, मतलब ये भूख हमें जुगाड़ू बना ही देती है। यार मुर्गियों को पालना आसान काम नहीं होता, क्योंकि उनके लिए समय समय पर दाना डालना भी जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की जुगाड़ है तब चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि ऐसे जुगाड़ से आप मुर्गियों को दाना डालने से लंबे समय के लिए फ्री हो जाएंगे।
बस आपको करना ये होगा कि प्लास्टिक की एक बड़ी सी केन के बीच में इतना बड़ा छेद करना होगा कि मुर्गी का मुंह उसमें चला जाए। उसके बाद उस छेद में पाइप फिट करना होगा और दाने भरकर उसे सीधा टांग देना होगा, जिसके चलते उसमें से दाने बाहर नहीं आएंगे और एक बार में बहुत सारे दाने डाले रहेंगे, जिन्हें मुर्गियां जब चाहे खा सकती हैं। वैसे तो भारत में नाई खुले आसमान के नीचे लोगों के बाल काटते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे में बारिश होती है तब उन्हें दुकान ना होने के चलते काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए एक नाई ने दुकान का सोल्यूशन भी खोज निकाला। दरअसल उसने अपनी मिनी ट्रक को एक दुकान में तब्दील कर दिया और उस पर एक बार्बर शॉप वाली सारी सुविधाएं भी दे दी, जिसके चलते किसी भी मौसम में इस नाई के पास बाल कटवाए जा सकते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की, ना जाने कब क्या दिख जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मान गए गुरु की भारत के बच्चे भी आजकल जुगाड़ू हो गए हैं। अब इस बच्चे को ही ले लीजिए जो अपने पेरेंट्स के मोबाइल को चार्ज पर लगाने आता है, पर सॉकेट के पास उसे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिस पर वो मोबाइल को रखकर छोड़ सके। इसी समस्या को देखते हुए आखिरकार ये बच्चा अपना जुगाड़ू दिमाग लगाता है और सॉकेट पर लगे चार्जर से जूते को टांग देता है, जिसमें इसका मोबाइल भी बन जाता है। सच में बुद्धि बहुत तेज है इस लौंडे की। अगर आप ऐसी रूम में बैठे हो और आपके पास पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप देसी जुगाड़ लगाकर एसी का यूज भी पानी को ठंडा करने के लिए कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो देख लो कैसे किसी जुगाड़ू व्यक्ति ने चिल्ड वाटर की चाहत में अपनी बोतल को विंडो एसी के अंदर ही डाल दिया, जिससे रूम के साथ साथ इसकी बोतल भी ठंडी हो जाएगी। गजब टोपी बाज लोग हैं यार सच में। ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली इस लड़की की दाद देनी होगी, क्योंकि इसने मेकअप में यूज होने वाले फेस ब्रशेस के लिए एक ऐसा स्टैंड बनाया है जो वाकई जुगाड़ू है। आप ही देखो कैसे इसने अपने सर के बालों को ही ब्रश स्टैंड का रूप दे डाला, जिसकी वजह से इसे बार बार ब्रश उठाने के लिए ड्रेसिंग टेबल तक नहीं जाना पड़ता। मानना पड़ेगा यार, भारत की लड़कियां भी जुगाड़ू होती हैं। कमाल है भाई, ये मजदूर तो एकदम कमाल धमाल और बेमिसाल है, और इसकी जुगाड़ तो सच में बवाल है। वाह क्या दिमाग लगाया इस आदमी ने, मतलब अब इसे बोरियां उठाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनाब तो बोरियों के ऊपर ही कुलाट मारते हैं और उसी दौरान बोरी उठा लेते हैं। गजब की ट्रिक है यार सच में। सही बोला भाई, ये भारत है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। लो देख लो एक और देसी जुगाड़, जिसमें एक ऑटो रिक्शा वाले ने अपनी पैसेंजर कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक दूसरे ऑटो की सीट को अपर बॉडी को अपनी ऑटो के ऊपर ही लगा डाला और उसके बगल से सीढ़ियां भी लगा दी, जिससे पैसेंजर्स ऊपर जाकर भी बैठ सकते हैं। कुछ भी कहलो पर मानना पड़ेगा कि ये जुगाड़ सच में कमाल का है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।